أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज का सवाल यूँ है कि क्या एक ही वक्त में एक ही यूनिवर्सिटी से डबल मास्टर्स इकट्ठे कर सकते हैं, यानी दो डिग्रियाँ एक ही वक्त में एक ही यूनिवर्सिटी से की जा सकती हैं, क्या यूनिवर्सिटी क्या HEC जो है इस बात की इजाज़त देती है? जी तो स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, HEC की तरफ से इजाज़त है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीके पे आप लोगों ने ध्यान देना है कि आप लोगों ने इसमें कैसे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई नहीं करना, क्या इसमें कोई मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया करें, क्योंकि बाद में बार बार स्टूडेंट्स कॉल करके पूछ रहे होते हैं, सर इस बात की समझ नहीं आई। तो आप लोग जो है एक ही यूनिवर्सिटी से डबल मास्टर्स कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होगी। पहली बात है कि आप लोगों की जो ग्रेजुएशन है 1 जुलाई 2022 से पहले कि आप लोगों की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात है, आप लोग जो है पार्ट वन का दाखला, ठीक है, पार्ट वन का दाखला आप लोग अलग सेंड कर दें, और उसके अलावा कंबाइन यानी पार्ट वन और पार्ट टू का दाखला जो है अलग से यानी सेंड करें। उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों को अलग अलग करवाना होगी। अगर आप लोग मिसाल के तौर पे जो है आप लोगों ने पार्ट वन का एडमिशन भेजा हुआ था और उसके आप लोगों ने पेपर दे दिए, अब आप लोग उसमें जो है सेकंड पार्ट का जो है अपना दाखला भेज देते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने पहले MA इस्लामियात के लिए अप्लाई किया है, तो अब उसमें डिफरेंट यानी एक दूसरा सब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे आप MA उर्दू का दाखला भेज सकते हैं, ठीक है। एक आप लोगों ने MA इस्लामियात का दाखला भेज दिया, जो कि आप लोगों ने मिसाल के तौर पर पार्ट फर्स्ट का दाखिला भेजा है। अगर आप लोग फ्रेश स्टूडेंट हैं तो तब भी आप लोग यानी सेंड अप कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है यानी पहले जो है एक पार्ट का दाखिला भेज चुके हैं, तो अब दूसरा जो है पार्ट का दाखिला उसी सब्जेक्ट का भेजेंगे, और एक नया सब्जेक्ट जैसे कि MA उर्दू है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग कंबाइन दाखला भेजें। और इसमें जो है आप लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है एक तो पहले हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई तो दोबारा से आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन फी आप लोगों को दो टाइम पे करना पड़ेगी। इस तरह से आप लोगों का जो है डबल मास्टर्स एक ही यूनिवर्सिटी से चला जाएगा, और उसमें जो है बाकी बात रह जाएगी कि आप लोगों के पेपर्स की, तो वो जो है आप लोग पहले शेड्यूल देखें पेपर्स का, उसके बाद आप लोग अपना दाखला जो है वो सेंड कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखे ढेर सारा ख्याल, फी अमान।